एल्टीट्यूड के एरियाज में जो कोल्ड इंजरीज हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जो हमने कार्रवाई की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल राशन, हीटिंग अरेंजमेंट्स, इन पूरे चीज़ों की वजह से इस साल जो कोल्ड इंजरीज है, हालांकि पिछले साल की नस्बत और ट्रूप्स है फॉरवर्ड एरियाज में LAC के ऊपर, LC के ऊपर, लेकिन फिर भी जो कोल्ड इंजरीज की मात्रा है वो तकरीबन उतनी ही रही है। पिछले साल 0.13% था, इस साल 0.15% है। और ये इसलिए है कि हम तैयार थे और सारे मिलकर इंजीनियर्स, MGO सारे मिलकर हम ये पूरी जो बैकअप चाहिए होता है फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए, वो हम पूरा कर पाए और इसीलिए कोई ऐसे कोल्ड इंजरीज नहीं हुए हैं।